जो लोग वाहन खरीदने की सोच रहे हो, बड़े दिन से प्लानिंग चल रही हो चेंज करने की सोच रहे हो, जो लोग पशुधन, जैसे किसान है उसके लिए तो पशु ही सबसे बड़ा धन है उसके लिए, बाकी चीजों के लिए, तो वे लोग अगर इस पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन महादेव का अगर दही के साथ अभिषेक करते, किसी से कर पाए न कर पाए, सिर्फ दही से, शुद्ध देसी गौ माता का दही हो, अगर आप नवीन वाहन आदि इत्यादि चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप सिर्फ सुंदर गौ माता के दही से अगर अभिषेक करते हैं आपको लाभ होगा। जो लोग क्या सभी लोग बोल दूं मैं तो, धन की जरूरत जिनको है, तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसको धन की जरूरत ना हो, लक्ष्मी प्राप्ति हर कोई व्यक्ति चाहता है। इस पूरे 60 दिवस, पूरे श्रावण 4 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक आप प्रतिदिन महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से करें। गन्ने के रस से महादेव के अभिषेक से लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता है महाराज। और ये जो लोग करते रहते हैं उन्हें मालूम है। अगर वृद्धि करना चाहते हैं अपने कार्यों में, जो आपके कार्य हैं उनमें वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें और बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां शहद का उपयोग होता है। आपने देखा होगा जब आप अभिषेक करते हैं सारी चीजें उपयोग होती हैं, लेकिन मैं एक एक चीज का आपको उपयोग बता रहा हूं कि क्यों होती है। तो किसी भी चीज में, धन में, शिक्षा में, दूसरी चीजों में, जिसमें भी आप वृद्धि करना चाहें, उसके लिए शहद का उपयोग होता है। शहद से जब आप करते हैं तो उसमें लाभ होता है। अगर आपको इस श्रावण में एक महान काम करना है, आप चाहते हो मोक्ष हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है, तो तीर्थ के नदी के जल से, वैसे तो 5 नदियों की चर्चा है इसमें, लेकिन अगर आप एक भी गंगा जल तो घर में हो गई, तीर्थ का ही जल है वो, अगर उससे आप भगवान का अभिषेक पूरे श्रावण करते हैं तो दर्शन है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आपके घर में नर्मदेश्वर होंगे या आपके घर में छोटे से जो भी होंगे, एक एक ढक्कन से भी करोगे तो इतना गंगा जल तो घर में निकल ही आएगा, नहीं होगा तो उसमें कुछ और मिल जाएगा। तो उससे आप तीर्थ के जल से जो लोग भी अभिषेक करते हैं मोक्ष प्राप्ति का साधन बनता है।